आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। नमस्ते। आज 24 तारीख मालेगांव में हम पूरी पूर्वगामी पत्रकार संघ की पूरी टीम यहाँ एकत्रित हुई है। कल 25 तारीख को राष्ट्रीय पूर्वगामी पत्रकार संघ का 6वां वर्धापन दिन है। उस वर्धापन दिन से पहले अपना पूरा महाराष्ट्र में जो कामगार लोग होते हैं उनके ऊपर जो अन्याय अत्याचार होता है उसके लिए जो कामगार समिति पूर्वगामी पत्रकार संघ संचालित कामगार समिति जो आपने स्थापित की है उसके अध्यक्ष अरिफ बेग और उनकी टीम वहां पर यहां से मालेगांव में मुख्य कार्यालय का कल किगड़ रोड पे अपना मुख्य कार्यालय का उद्घाटन हम लोग करने जा रहे हैं। और उस उद्घाटन समारोह में पूरे पूरी टीम महाराष्ट्र से गिने चुने जिले से लोग सब आ रहे हैं। और आप सब लोगों का पूर्वगामी पत्रकार संघ का संघ के लिए हम लोग आशीर्वाद चाहते हैं। मालेगांव में जो यहाँ पे कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है उसके आप सब मान्यवर वहाँ पे सादर आमंत्रित हो। ये जो कामगार हक के समिति है इसकी बहुत ज़रूरत है। और पूर्वगामी पत्रकार संघ जो पूरे भारत के अंदर काम कर रहा है उसमें जो होने वाले अत्याचार अन्याय है कामगारों पर उसको एक तरह से जुबान देने का काम, न्याय देने का काम ये समिति करेगी। और इस समिति का जो कल होने वाला उद्घाटन है कार्यालय का उसमें सब आप आमंत्रित हो, आप आशीर्वाद देने के लिए जरूर हो। कामगार हक समिति का राबता ऑफिस कुदवाई रोड करमटीना बिल्डिंग के अंदर शॉपिंग नंबर 1 में है। आप लोग से गुजारिश है कल आप 11 बजे वहाँ जरूर आए। और इसके बाद वहाँ पे मेंबर शादी का भी काम शुरू होगा। आपको एक आधार कार्ड और 2 फोटो लेकर वहाँ पहुँचना रहेगा, है ना? अरे भाई, मालेगांव शहर में मजदूर तबका बहुत ज़्यादा है और आप लोग मजदूरों के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपकी समिति के जरिए आप उनको क्या सपोर्ट देंगे आगे? देखिए, हमारी जो समिति है और हमारी जो राष्ट्रीय लेवल पे राष्ट्रीय प्रोग्राम पत्रकार संघ है उसके बैनर के तले जो ये समिति चल रही है, हमारे जो वरिष्ठ पदाधिकारी है उनको लेकर इनके पास जो मसले है कामगार हक समिति को लेकर लेबर लोगों के और जो भी जो मसले है वो लेकर हम जाएंगे और जितना होगा हम उनको जितना क्या कर सकते हैं उनके लिए हम जरूर करेंगे। Thank you.